So what you will do is the impeller and the capital city you will do no मैं मुझे ही बताना पड़ेगा चलो इसमें थोड़ा सा समझ लो क्या लिखा है इंपेलर यानी सम्राट अशोका एंड द कैपिटल सिटी यानी कि पाटलिपुत्र क्लियर मेगास्थनीज वाज एन एंबेसडर मेगास्थनीज एक एंबेसडर थे इट मींस एंबेसडर मींस जो दूसरे देश से द पर्सन हु केम फ्रॉम द अदर कंट्री इन द गवर्नमेंट मतलब अपने देश में जो यहाँ के कैसे कहें किसी दूसरे देश से आया हुआ राजदूत क्लियर तो मेगास्थनीज जो था वो सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता वो चंद्रगुप्त जो इनके दादाजी थे अशोका के कोर्ट में आए थे कोर्ट यानी कि दरबार इनके दरबार में आए थे उनके राज्य में आए थे बाय दी और ये मेगास्थनीज कौन थे ये ग्रीक रूलर थे ग्रीक मतलब एक ग्रीस कंट्री है ना यूरोप में वहाँ के जो रूलर थे सेलिकस लिकेटर है ना उन्होंने इनको भेजा था मेगास्थनीज को कि तुम जाओ इंडिया में अब इंडिया में आए जब ये तो इन्होंने एक अकाउंट लिखा अकाउंट मतलब अपनी एक डायरी लिखी और उसमें क्या लिखा देखो वो क्या क्या लिखते हैं जरा सा सुनो तो इसमें द ओकेजन ऑन विच द एम्पायर अपीयर इन पब्लिक आर ये लिख रहे हैं कि जिस समय एम्पायर आता था राज्य में अशोका आता था पब्लिक के बीच में तो ऐसा लगता था कि ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन है जैसे पूरे मौर्य एम्पायर में जब ये बाहर आते थे निकलते थे लोगों के बीच में आते थे तो जैसे ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था इनको एक गोल्डन पालकी में ले जाया जाता था देखो यहाँ पे लिखा है He is carried in a golden palki and celebrated with grand royal processions. Mark कर लो important है बेटा this line. अब उनके जो guard होते थे वो guard क्या करते थे जो elephants पे बैठे होते थे guards जो थे देखते हो ना जब राजा आते तो क्या होता है अभी जब PM जब आप देखे थे ना लाल किला पे रेड फोर्ट पे जब वो ब्लैक होस्टिंग के लिए आए थे तो उनके उनके चारों तरफ क्या थी ब्लैक कार आ रही थी ठीक है ना चारों तरफ और बीच में पीएम की गाड़ी लेकिन एंशिएंट इंडिया में क्या था कि जब इंपेरर आते थे तो उनके चारों तरफ इंपेरर तो गोल्डन पालकी पे बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो गार्ड होते थे वो अपने अपने एलिफेंट में बैठे होते थे है ना हाथी पे वो सवार हाथी सवार जो होते थे वो बैठे थे और उसमें बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर भी लगे थे सोच लो कितने रिच थे ये लोग सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लेट्स वर्ड इंक्लूडिंग अब देखो ये लिखा है इसमें कि जो गार्ड्स होते थे वो ट्रीज भी कैरी करके ले जाते थे जिसमें बहुत सारी बॉल्स वगैरह होती थी तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत एक्स्ट्रा बता रहे हैं ठीक है बात को बढ़ाना चाह के बता रहे हैं तो मेगास्थनीज क्योंकि ग्रीक रूलर ये एक एम्बेसडर थे तो इन्होंने जो कुछ भी लिखा है यहाँ के बारे में बाकी आप इसको क्या करोगे फोनों में रीड कर लेना कि क्या क्या लिखा है अपने एम्बेसडर के बारे में अशोका के बारे में ठीक है कम टू द नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जिनकी इतनी बातें हो रही हैं वो हैं कौन अशोका अ यूनिक रूलर व्हाई ही इज नोन एज अ यूनिक रूलर तो देखो यूनिक रूलर इसलिए कहा गया क्योंकि ये फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेजेस टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन वो लेटर लिख के नहीं करते थे ईमेल नहीं डालते थे कि सुनो सुनो ये मेल है इसको पढ़ लेना क्या करते थे जो भी मैसेजेस होते थे उसको स्टोन पिलर्स पे इंस्क्राइब कर देते थे है ना और वो जहाँ और उसको पूरे स्टेट्स में फैला के वो रखे होते मतलब उसको वहीं पे स्टैब्लिश कर दिया जाता था जो लोग वहाँ से पास होते थे वो इंस्क्रिप्शन को देखते थे और उनके इंस्ट्रक्शन को मैसेजेस को पढ़ लेते थे सो ही वॉज द यूनिक रूलर अशोका इंस्क्रिप्शन प्राकृत अब इन विच लैंग्वेज ही इज यूज्ड टू राइट इंग्लिश में लिखते थे नो हिंदी में नो प्राकृत लैंग्वेज वॉज दी ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज बाई द ऑर्डिनरी पीपल उस समय एंड वे रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट अभी हमारी और जो स्क्रिप्ट होती है प्राकृत लैंग्वेज की वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है अभी हम हिंदी बोलते हैं ना हिंदी की जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट कौन सी है देवनागरी इंग्लिश बोलते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट क्या है रोमन ठीक वैसे ही है प्राकृत एंशिएंट में बोलते थे तो वो ब्राह्मी में बोलते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है ये समझ देखो अभी हम लोग जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे
व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि वो जैसे मान लो कि हम लिखे ना कि मैं एम ए आई मैं पढ़ता हूँ पी डी एच टी ए, तो इसको स्क्रिप्ट कहते हैं, जिस लैंग्वेज में बोला उसी में लिख दिया, दिस इज नोन एज स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब अच्छे से समझ लेना, दोबारा नहीं कहना कि मैम हमें समझ में नहीं आया। तो ये अशोका वॉज अ यूनिक रूलर। अब हम बात करेंगे अशोका वॉर इन कलिंगा, कलिंगा में अशोक की लड़ाई। अब ये कलिंगा क्या है? कलिंगा वॉज द प्लेस ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह है कलिंगा। कलिंगा इज द नेम, एंसिएंट नेम ऑफ नॉट इन, ये जगह नहीं थी उड़ीसा में, उड़ीसा जो था उसका एंसिएंट नेम ही है कलिंगा। ठीक है, कलिंगा इज द एंसिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। आप मैप में देखो, एक बार मैप में देख ले हम लोग कलिंगा कहाँ है, ये देखो उड़ीसा का है, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका बंगाल है ना, इधर पूरा ये बिहार हो गया आपका, ये पूरा जो एरिया है ये आपको क्या हुआ, दिस इज उड़ीसा कलिंगा। ठीक है, अब कलिंगा में क्या था, अशोका फॉर जो वॉर, अशोका ने एक लड़ाई लड़ी थी कलिंगा में, और ही वॉज सो हॉरिफाइड, वो डर गया था बहुत ज्यादा जब उसने देखा कि कितनी वॉयलेंस हो रही है, कितना ब्लड से मतलब बहुत ज्यादा लोगों की ब्लड वहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग मरे थे। ही डिसाइडेड, तभी उसने डिसाइड कर लिया, ही विल नॉट फाइट एनी मोर एनी वॉर, कि अब इसके आगे इतना ज्यादा जो वॉयलेंस हुआ था, जो ब्लड शेडिंग हुई थी, ही डिसाइडेड कि ही विल नॉट फाइट, अब और ज्यादा फाइटिंग नहीं करेगा, कोई भी लड़ाई आगे नहीं लड़ेगा। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में वो पहला ऐसा राजा था, और उसके बाद कोई भी ऐसा किंग नहीं हुआ वो गिव अप कॉन्क्वेस्ट, जिसने गिव अप करना छोड़ दिया, लड़ाई लड़ना छोड़ दिया आफ्टर विनिंग अ वॉर। कलिंगा की वॉर को इन्होंने जीत गए थे, लेकिन जब उसमें इतना ज्यादा जो वॉयलेंस हुआ तो ये डिसाइडेड कि नहीं जी, ये आज के बाद से कोई फाइट कोई वॉर नहीं लड़नी है। जबकि आपको पता ही है कि एक राजा का काम होता है, द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग इज फाइट करना, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना, अपने एरिया को एक्सटेंड करना, कंक्वेस्ट करना बाकी जितने भी एरियाज हैं। लेकिन ये युद्ध जीतने के बाद भी इन्होंने गिव अप कर दिया कंक्वेस्ट को, सो ही वाज नोन एज द यूनिक रूलर। अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोका इंस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन जानते ही हो, डिस्क्राइबिंग दी। अब ये सब कैसे हमें पता चलता है कि कितना कुछ हुआ था, क्योंकि उनका इंस्क्रिप्शन है, उन्होंने मैसेजेस अपने इंस्क्रिप्शन पे भी लिखवाते थे ना, तो एक रॉक चट्टानों पे भी उन्होंने लिखवाया है कि इस तरह से लड़ाई हुई थी, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि 8 years, इंस्क्रिप्शन में लिखा है 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग ऑन किंग फर्स्ट कन्वर्ट कलिंगा, कि जब मैं अपना किंग बन गया था तो उसके 8 years बाद मैंने ये लड़ाई लड़ी थी, और उसमें 1,50,000 पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1,00,000 ऑफ पीपल वर किल्ड, उन्होंने इसमें बताया है। और इससे मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि व्हेनेवर आई एम इंडिपेंडेंट, कि जब कोई एक स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट को कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जिसमें बहुत सारे लाख ऑफ पीपल्स होते हैं, उनकी डेथ होती है, प्राइजनर उनको कैद कर लिया जाता है, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स वगैरह इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो इस लड़ाई को जीतने का क्या फायदा है, दैट इज वाई आई एम सैड। अब ये बता रहे कि मैं सैड क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स, कि इसमें उन लोगों की भी डेथ हुई है जो अपने रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्लेव्स को, और वो अपने लूज वो उन्होंने अपने लव्ड वन को इस डेथ में इस फाइट में उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनको लूज कर दिया। ठीक है, तो मैं बहुत दुखी हूँ, और अब मैंने डिसाइड किया है टू ऑब्जर्व धम्मा, कि मैं अब धम्म जो है उसको चलाऊंगा, उसको स्टार्ट करूँगा। धम्मा क्या था, दूसरे को टीच करना, दूसरे को पढ़ाना सिखाना। अब कैसे ये होगा, आई बिलीव दैट, क्योंकि इनका मानना था, ये मान रहे थे कि विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा, कि अगर किसी के ऊपर आपको जीतना ही है, किसी के दिल को जीतना ही है, तो उसको अच्छी बातों से जीतो, उसको पढ़ा करके सिखा करके भेजो,
सिखा करके जीतो, ना कि आप किसी की लैंड को कन्वर्ट कर लिया, इतना सारा वॉयलेंस डेथ उनको प्राइजर बना करके, ऐसे नहीं। तो जब उनको अंदर से ये फील हुआ, जब उनको कॉन्सियस हुआ, उनकी सोल इस तरह से जो कि वो बताई कि ये गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, देन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो धम्म जो है उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें दूसरे लोगों को टीच करेंगे, पढ़ाएंगे। वो लिख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन पे, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जब कभी, सो दैट माय सन एंड ग्रैंडसन, कि जो मेरे बेटे और मेरे जो नाते पोते होंगे वो सब कभी भी किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। इन अ स्टेट दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट, और फिर वो सोचने लगे कि धम्म को कैसे स्प्रेड करना है, धम्म को कैसे फैलाना है। हाउ डिड द कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज, अब कैसे कलिंग का जो ये वॉर था वो अशोका के एटीट्यूड में चेंज ला दिया। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो कब से धम्म किए हुए हैं, ये धम्म है क्या। धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म, जो आज हम लोग धर्म समझते हैं ना, कि अच्छे काम करना चाहिए, मोरल जो हम लोग लर्निंग लेते हैं वो सारे क्या होते हैं, धर्म होते हैं। तो धर्म का ही प्राकृत जो था वो था धर्म, ठीक है। तो अब ये मोरल वैल्यू सीखेंगे, क्लियर क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स आस्क मी।